बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना चैनल वर्ल्ड ऑफ इस्लामिक सॉल्यूशन। आपके लिए दुआओं का खसूसी तौर पर अहतमाम किया गया है। जो भी हवातीनों हज़रात दुआ के लिए अपना नाम देना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम दे सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला खसूसी तौर पर उनके लिए दुआ की जाएगी। या खालिकू, या मुसव्विरू, या जमीलू, इन तीन नामों के आज मैं आपको मुशाहदात बताना चाहती हूँ इंशाअल्लाह ताला, जिनको सुनने के बाद आपके मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। एक साहब बताते हैं कि पिछले दिनों गुजरात में मैं जब हज़रत हकीम साहब का दर्स था तो मेरी मोटरसाइकिल के सिलेंसर से टांग जल गई और काफ़ी बड़ा ज़ख्म बन गया था। दर्स में हज़रत दामत बरकाते हिम ने एक वजीफ़ा बताया था, या खालिकू, या मुसव्विरू, या जमीलू। मैंने इसका विर्द शुरू कर दिया और इसकी बरकत से मेरा ज़ख़म बहुत जल्द ठीक हो गया और ऐसे ठीक हुआ कि महसूस ही नहीं होता कि कहां से टांग जली थी। एक साहब बताते हैं, अस्सलामुअलैकुम हकीम साहब, हमारे गुजरात में एक साहब पिछले 12 साल से बैरून मुल्क में कारोबार कर रहे हैं। वो हर साल 3 माह की छुट्टी पर घर आते हैं और फिर चले जाते हैं। इनके यहाँ औलाद नहीं थी। उन्होंने बहुत इलाज मुआलजा भी कराया लेकिन बेसूद रहा। वो दोनों मियाँ बीवी औलाद की नेमत को तरसते रहे। पिछले दिनों 31 मार्च को हज़रत साहब का गुजरात में दर्स था, जिसमें हज़रत दामत बरकातेहिम ने फरमाया कि किसी भी मसले के लिए या खालिकू, या मुसव्विरू, या जमीलू कसरत से पढ़ें। इन साहब ने भी अपनी औलाद की नियत से ये वजीफ़ा मुसलसल पढ़ना शुरू कर दिया और अब अल्हम्दुलिल्लाह उनकी अहलिया उम्मीद से हैं। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।